किसी लड़के में दम है जो यूं बोल सके कि चिंता मत कर छोरी, तेरा बॉयफ्रेंड मैं ही बनूं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो ना तो पापा की परी के ऊपर है, ना माँ के मगरमच्छ के ऊपर। ये वीडियो उन लोगों के ऊपर है जो सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहे। भाई आजकल ना आशिकी का नशा, सोशल मीडिया पे फेमस होने का नशा, दारू का नशा का घोर कॉम्पिटिशन चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया वालों को देखकर ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा नशा किसी ने नहीं किया है। अब इस वीडियो को देख लो यार, इसकी स्ट्रगल को देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। देख रहे हो ना यार, वो बेचारी वीडियो बना रही है और वो बीच में आ गया, और ये नशा इतनी तेजी से फैल रहा है ना कि इसने सारे नशे को पीछे छोड़ दिया। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रहा है? हाँ आजा, तू भी आजा, हराम जादे कैमरे में घुसा जा रहा है। इन सबको देखकर ये जानना जरूरी था कि सबसे खतरनाक नशा किसका होता है। इसके लिए हमने आगे की खोजबीन करी और हमें ये देखने को मिला। मजा आया भाई साहब, ये देखकर तो हमारी आत्मा रोने लगी। उसके बाद फिर सामने आया एक और बेहतरीन आशिकी का एग्जांपल। बेबी मेरे को दर्द हो रही है यहाँ पे। अब ठीक है मेरा बेबी? हाँ जी ठीक है। अरे हम लोग अच्छा करने आए, घूमने आए यहाँ पर, गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। नहीं सही में यार, ये बाबू सोना वाले कहीं भी शुरू हो जाते हैं। हमने सुना था सबसे खतरनाक नशा आशिकी का होता है, बट यार ये जब से टिकटॉक आया था उसने तो सभी को अपने नशे में डुबो दिया। और अब भी कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि आज भी सबसे ज्यादा खतरनाक नशा आशिकी का है, बट नहीं यार, जमाना चेंज हो चुका है। अब सबसे ज्यादा खतरनाक नशा हमारे दारू का है। सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? हेलो, अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? बोलिए यहाँ क्या मतलब? अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। सूफिया ये इम्पोर्टेंट है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। हाँ बताओ, सही बात यार, जब अगला बोलेगा तभी ना बोलेंगे। और इतना ही नहीं, आशिकी का नशा इन सबसे कमजोर क्यों है? आपने देखा होगा कि कुछ लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में इंग्लिश सीखने में लगे होते हैं, बट दारू के नशे में अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप निकलती है। सरकार तो कह रही है कि हमें शराब बंद कर दी है। कोई बंदी नहीं है, इसका पालन कुछ नहीं होता, आराम से मिल जाती है, आराम से मिल जाता है, होम डिलीवरी, यू आर फास्ट। हाँ यू आर फास्ट होम डिलीवरी। वैसे आशिकी का नशा इतना खतरनाक नहीं रहा जितना सोशल मीडिया पे फेमस होने का हो गया है, क्योंकि ये नशा उन लोगों को खतरनाक लगता है जिनको अभी अभी प्यार हुआ है, शुरुआती प्यार। और हाँ, जिनको नया नया प्यार हुआ है, ये नशा उनके लिए बहुत ही खतरनाक है, और इतना कि उनको फोन के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है। ये बाबू सोना वाले फुलवारी ही तोड़ दिया यार। गलती किसी की भी हो, माफी बॉयफ्रेंड को ही मांगना होता है। आलम यह होता है कि इनकी किस्मत तक साथ छोड़ देने लगती है, क्योंकि 24 घंटे फोन को कान में चिपकाकर समझाना जो होता है। और जब इनकी गर्लफ्रेंड छोड़ देती है तो इनका ये हाल होता है। मैं तो यही कहूंगा कि चारों तरफ देखकर चलना, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है।
तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो? दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद।